हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार। हम लोग फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं और हम लोग बिहार दरोगा सीरीज सेकेंड नंबर करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि जो सीरीज चल रहा है ये दूसरा है। बिहार एसआई मुख्य परीक्षा जो है 2021 का ही है ना। जो परीक्षा तिथि कब हुई थी? 2022 हुई थी, है ना। आइए चलते हम लोग अब करते इस क्वेश्चन को। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय पूर्व का आभासी चपटापन निम्न परिघटना का कारण है। तो अपवर्तन का कारण होता है, ठीक है दोस्तों। किसका कारण होता है? अपवर्तन का कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? अपवर्तन। आइए आगे बढ़ते हैं लोग। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन मुख्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इस परिघटना के कारण रात में तारे टिमटिमाने नजर आते हैं। अपवर्तन के कारण क्या होता है? रात में तारे टिमटिमाने आते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देता है ना। आप लोग देखेंगे पानी में जब सिक्का हम लोग डाल देते हैं या ग्लास में, और जब उसको ऊपर से देखेंगे तो क्या होता है? वो थोड़ा अलग हटता है, मतलब हटता क्या, वो दिखाई देता है हटके जरा। और जब हम छड़ी भी एक स्टिक डालेंगे और बाहर से देखेंगे तो स्टिक थोड़ा टूटा हुआ दिखाई देता है। तो ले आइए हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अच्छा प्रथम युद्ध का विश्व युद्ध का टाइम पीरियड भी पूछ देता है कभी कभी, तो याद रखिएगा 1900 है ना। क्या टाइम पीरियड था? 1914 से 1918, याद रखिएगा। प्रथम युद्ध का विश्व युद्ध का टाइम पीरियड पूछ देता है कभी कभी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया वर्ष 1915। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरा नंबर पे। यानी कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथा और भिलकला नदी के तट पर स्थित है, ठीक है दोस्त। भागीरथी और भिलकला नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध जो है, इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो अलकनंदा है, ठीक है, वानगंगा और भी नदियाँ हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब राज्य होते हैं, उनको इससे फायदा होता है। ये हो जाएगा अपना आंसर ए। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए बार बार दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। करा कि किसी अर्धचालक के ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो पहले बढ़ती है फिर घटती है। मतलब कि किसी अर्धचालकता का ताप बढ़ने पर क्या होगा? पहले उस प्रतिरोधकता होगा, तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। मतलब कि चालकता, अर्धचालकता का जो ताप होगा वो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, याद रखिएगा। ये आपका 2022 में पूछा हुआ है और 2023 के भी मेंस का 64 जो सीट आया था उसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ताप बढ़ने पर चालकता क्या होगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, याद रखिएगा। चलिए और प्रतिरोधकता का जो इकाई होता है वो ओम होता है। चलिए दोस्तों जिस आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है एक्चुअली ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ेंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है, इससे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए 7 नंबर क्वेश्चन जो आपका मैथ का है ना, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं सीधा। 8 नंबर में कह रहा है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो मैसूर का राजा जो बनाया गया था कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था, और ये वाग्डियार वंश के शासक थे, है ना। कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आपको बता देते हैं पास सीधा सीधा कि है ना कब कब हुआ था। तो 1767 से 1769 में प्रथम आंग मैसूर युद्ध हुआ था। दूसरा जो हुआ था 1780 से 84 में हुआ था, और इसी में 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, हैदर अली की मृत्यु हुई थी। फिर 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पोटाश का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। पोटाश का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट है, याद रखिएगा। पोटाश का सिलिका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। इसके बारे में कुछ बता देते हैं। ये जो होता है इसका सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला होता है N2SiO3 होता है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है N2SiO3 होता है। उसके बाद से सिलिकन जो पोटाश जो होता है, सिलिका के अधिक पुष्ट वाला खनिज पदार्थ पाया जाता है, ठीक है।
और इसका प्रयोग जो होता है कई उद्योगों में होता है, महत्वपूर्ण उद्योगों में होता है जैसे कि कांच, हाँ उसके बाद और चीज़ों में क्या होता है। चलिए आइए हम उस पर आगे पढ़ते हैं। चला प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य की संख्या अनुसूचित जाति में निर्धारित की जाती है। किस अनुसूचित की जाती है? शेड्यूल में। तो ये शेड्यूल के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा प्रत्येक राज्य के लिए तो चौथी में है। एक बार इसको हम बता देते हैं, पहले अनुसूची में क्या कहता है कि राज्य भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में कहता है पेंशन भत्ता, तीसरा में कहता है शपथ है ना, चौथा में कहता है राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, पाँचवा में जो है अनुसूचित जन प्रशासनिक क्षेत्र के लिए, छठा में जो है चार जो राज्य के बारे में कहा जा रहा है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में जो कहा जा रहा है, चार राज्य असम मेघालय त्रिपुरा और मणिपुर के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना। छठा सातवां हो गया, सातवां जो कहा जा रहा है किसके लिए कहा जा रहा है, जिसमें सूची के लिए तीन सूची है, संघ सूची, समर्थित सूची और राज्य सूची, याद रखिएगा। आठवां उसी तरह हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आठवां, भाषा हो जाएगा। नौवां जो हो जाएगा आपका जमींदारी प्रथा हो जाएगा। दसवां जो हो जाएगा आपका दल बदल जाएगा बारहवां संविधान संशोधन से है ना। उसके बाद ग्यारहवां जो हो जाएगा आपका नगर पंचायत होगा, और बारहवां जो हो जाएगा नगर निगम हो जाएगा। ग्यारहवां में जो है नगर पंचायत में जो है आपके 28 सब्जेक्ट की चर्चा की गई है, 29 और 29 सब्जेक्ट की चर्चा की गई है, सॉरी दोस्त 29 सब्जेक्ट की और 18 सब्जेक्ट की चर्चा जो की गई है वो नगर पालिका में की गई है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, 11 के बढ़ते हम लोग। 11 में मैथ है, 12 में आई जाता है। 12 में कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो 1909 में हुई थी, और इसी से क्या हुआ था कि आपका जो गांधी जी थे अपना एक उपाधि था कैसरी हिंद का उपाधि लौटा दिए थे गांधी जी, और दूसरा जो था नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ आर एन टैगोर ने लौटा दिया था, और एम के गांधी ने अपना कैसरी हिंद की उपाधि वापस कर दिया था। 13 अप्रैल 1900 घटित थी, छोटा भी डेट याद रखिएगा। चलिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो 1971 में बना था, है ना। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2012 में भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, दरोगा 2012 में भी पूछा था। निम्नलिखित में से किसे चांदी, किसमें चांदी नहीं होता है, याद रखिएगा, किसमें चांदी नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है ना। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तांबा होता है, जस्ता होता है, निकल होता है, याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तांबा, निकल और जस्ता होता है, इसमें कभी भी क्या होता है? सिल्वर नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च के पाचन से संबंधित है, तो एमाइलेज होता है, याद रखिएगा, एमाइलेज होता है पाचन से, और एमाइलेज जो होता है मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित होता है, ठीक है। एंजाइम जो मानव शरीर में जो सारी प्रक्रिया को तेज करने की मदद करता है, एंजाइम क्या होता है? जो कैटालिस्ट का काम करता है एक तरीके से, याद रखिएगा, है ना। ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन को पचाकर उसको पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीओज में बदल देता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लाइपेज का एक एंजाइम जो है वसा का पाचन कर उसे वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा मैथ का है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वाम एक एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो गेहूं का पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो गेहूं का कौन सा है? तो जया है ना। हमारे देश में जो धान का अर्ध वामन जो होता है, अच्छा इसमें गेहूं पूछा दोस्तों, सॉरी धान नहीं पूछा, धान का जया हो जाएगा, और अगर गेहूं का बोलेगा तो आंसर हो जाएगा इसमें अपना विद्या, और धान अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जया, याद रखिएगा, धान के लिए जया और गेहूं के लिए क्या हो जाएगा? विद्या। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में विद्या गेहूं के अर्ध बावन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? जया चावल की किस्म है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ में है? तो इंटीग्रल कोच जो है वो पेराम्बूर में है, ठीक है ना, और पेराम्बूर चेन्नई में अवस्थित है, और इसका उद्घाटन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा। और एक और चीज़ बता देते हैं आपको, है ना, 2 अक्टूबर 1955 को किया गया था इसका, है ना, 2 अक्टूबर 1955 में किया गया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? याद रखिएगा, चंद्रशेखर, है ना, चंद्रशेखर जो है राज्य के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे, जबकि इसमें चरण सिंह रहे हुए हैं, चौधरी चरण सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश के रहे हुए हैं, पी वी नरसिम्हा राव जो हैं
वो आंध्र प्रदेश के रहे हुए हैं और एसडी जो गौड़ा साहब जो है वो कर्नाटक के रहे हुए हैं, याद रखिएगा। और चंद्रशेखर बाबू जो है वो कभी भी पीएम बने तो कभी भी वो सीएम के रूप में कार्य नहीं किया है, बाकी लोग किए हुए हैं, है ना। चरण सिंह यूपी में किए हुए हैं, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश में और एसडी गौड़ा कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हुए, कह रहा है कि कोरोनाइजाइनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, तो रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है, है ना, रोगाणुरोधक के रूप में काम करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हुए, चलिए मैथ का क्वेश्चन है, आइए इसको पढ़ते हैं। कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया दूध को दही में प्रवृत्त करता है, सबको पता है, सब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है ना, याद रखिएगा, जो कि दूध से दही में प्रवृत्त करता है, कौन सा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ पादप है, तो सुनहरी धान जो है, याद रखिएगा, ना कि अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है, कौन सा, सुनहरी धान, इसको आप लोग हम थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में, सुनहरी धान के बारे में आइए बता देते हैं कि जो होता है कि सुनहरी मतलब कि एक तो रूपांतरित खाद का मतलब ये करता है अनुसंग कि जिसके जीन में छेड़छाड़ करके बनाया जाए, तो ऐसे पौधा जो होता है जिसके जीवाणु कवक या जंतु जिनके जींस में क्या होता है हस्त कौशल द्वारा मतलब कि हाइब्रिड के द्वारा उसमें चेंज करके उसको बनाया जाता है, जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करते हैं, ठीक है। और जीनोम का जो व्यवहार स्थान किया जाता है उसे परपोषी पौधे जंतु और जो लोगों की प्रकृति के खाद्य जाल पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। आइए आगे हम बढ़ते हैं, इससे क्या होता है ना कि इसमें ऑटोमेटिकली रासायनिक जो होता है कीटनाशकों पर ये कम निर्भर करता है, उसके बाद से अपना कटाई पश्चात होने वाले जो आधे नुकसान होते हैं उसमें कम सहायक होता है, पौधे जो खनिज उपयोग वृद्धि होता है उसमें उर्वरकता समापन को रोकता है, ये सब चीज़ें। और गोल्डन इसको गोल्डन राइस कहते हैं, याद रखिएगा। और इसमें जो होता है इसमें चावल विटामिन प्रो विटामिन ए का उपलब्ध कराया जाता है और बीटा कैरोटीन होता है, है ना, जो खाने वाले चावल में प्रो विटामिन ए उपलब्ध करवाते हैं। जो संश्लेषण जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया जाता है गोल्डन राइस को, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया, याद रखिएगा, है ना। और इसके सहयोगी जो है ये अच्छा बीटी बैगन और गोल्डन राइस जो है फिलीपींस द्वारा बैन कर दिया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। और ये इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट द्वारा और फिलीपींस के राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा और बांग्लादेश के राइस इंस्टीट्यूट के द्वारा इन लोग क्या 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 बनाया है, याद रखिएगा। चलिए, और फिलीपींस जो है ना एशिया में पहला गोल्डन राइस को रोपण की मंजूरी देने वाला देश, याद रखिएगा। पूछता है कि गोल्डन राइस को पहला देश कौन दिया था, तो फिलीपींस दिया था। चलिए, समीर अच्छा ये भी वही आपका चीज़ है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है ना, याद रखिएगा। किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ हम आपको बता देते हैं कि परमाणु रिएक्टर के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को जो रत्नात्मक कार्य होता है उसमें लाया जाता है, ऐसी जिसमें यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है, देखिएगा। और नियंत्रण विखंडन कराया जाता है, तो विखंडन से निकलने जो ऊष्मा ऊर्जा होता है ना वो पानी का भाप बनकर टर्बाइन चलाया जाता है, जिसमें विद्युत क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य रेलवे मंडल का जो है मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र है, थोड़ा याद कर लीजिएगा, है ना। मध्य रेलवे मंडल का मुंबई हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी रेलवे मंडल का क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का हो जाएगा, है ना, कोलकाता। एक और क्या हो जाएगा, पूर्व रेलवे का हो जाएगा, ठीक है। अब पूर्व मध्य रेलवे का कौन हो जाएगा, अगर कमेंट आप करके बताइएगा। कोलकाता मेट्रो रेल का भी कोलकाता हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली हो जाएगा, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली हो जाएगा। और उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का कौन हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से एनेमिया रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनेमिया होता है। और विटामिन वन को हम क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं, याद रखिएगा। विटामिन सी को एस्कर्बिक एसिड कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। किस देश से, तो भारत से नहीं गुजरती है। भारत से कौन सा, कर्क रेखा होकर गुजरती है ना, 8 राज्यों से। और भूमध्य रेखा जो है वो पूरे देश में वर्ल्ड में 13 कंट्रीज से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। 13 कंट्रीज से होकर गुजरती है,
इसका नाम अगर बताएंगे तो आप लोग याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा। पहला इक्वाडोर हो गया है ना, क्या है इक्वाडोर, देन कोलंबिया, कोलंबिया, ब्राज़ील, तो वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन अच्छा हो जाएगा, ब्राज़ील क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन देश से नहीं गुजर रहा है, गैबॉन है ना, कांगो गणराज, कांगो गणराज, लोकतांत्रिक कांगो गणराज याद रखिएगा, साओ टोम, युगांडा, केन्या, सोमाली, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, इन 13 देशों से होकर क्या होता है भूमध्य रेखा गुजरता है। याद रखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो आपकी किस नदी पे है, सतलुज नदी पे, याद रखिएगा। और इससे लाभान्वित राज्य जो है कौन कौन है भाखड़ा नांगल बांध से, तो याद रखिएगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीन राज्य इसे है। और इसका है दो उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य है उद्देश्य भी याद करते चलिए भाखड़ा नांगल बांध का। उद्देश्य क्या है तो विद्युत, और उद्देश्य भी पूछता कभी सिंचाई। चलिए आगे पूछते हैं, और इसकी ऊंचाई पर ज्ञात कर लीजिएगा 226 मीटर है ना। और कृत्रिम झील है, इसका नाम गोविंद सागर पंत झील के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, फिर से आ रहा है जोग जलप्रपात कहाँ है, तो जोग जलप्रपात जो है सरस्वती नदी में है, कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में है जोग जलप्रपात, है ना, याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई जो है 253 मीटर है, और याद रखिएगा आगे बढ़ते हम लोग। जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जीवनी है तो कौन सी है, तो मुसिन अल अरवा। जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जीवनी है तो याद रखिएगा मुसिन अल चिश्ती की, कौन सी किताब जीवनी लिखी गई है जहाँ आरा द्वारा, तो मुसिन अल अरवा ना, मुनीश अल अरवा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा जहाँआरा किसकी बेटी थी, तो ये सबसे बड़ी बेटी थी किसकी, शाहजहाँ और मुमताज की महल की सबसे बड़ी बेटी थी, है ना, याद रखिएगा। और इन्हीं की शीर्षक लिखी थी मुनीश अल अरवा, इनकी बेटी जो थी लिखी थी, कौन जहाँआरा ने लिखी थी। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी अशोक आंदोलन कब वापस लिए थे, तो कब लिए थे भाई साहब, कोई बताएगा एक छोटा डेट, 1922 को तो लिए थे ठीक है ना, लेकिन छोटा डेट क्या होगा इसमें, 22 फरवरी 1922 को जो हुआ था इन्होंने, याद रखिएगा 22 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, बारदोली में कांग्रेस बैठक में अशोक आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है ना, तो छोटा डेट याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि पूछ देता है। आरंभ कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा 12 फरवरी 1922 को, और कौन से कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में, है ना, 1 अगस्त 1920 में, लेकिन प्रस्ताव साबित जो हुआ था ना वो नागपुर अधिवेशन में हुआ था, और वार्षिक अधिवेशन में, और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में जो कांग्रेस अधिवेशन की बैठक हुई थी वहाँ पे वापस लेने का निर्णय लिया गया था। चलिए नाम दफा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा नाम दफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और दम्फा कहाँ है, दफा दम्फा मिजोरम में, दम्फा दम्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नकाशीदीर काचो के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है,
इसमें क्या जाता है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल क्या किया जाता है ना, जो कांच पे लोग देखते हैं ना एक डिजाइन बना रहता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, इसका अन्य नाम भी है, अदर नाम क्या नाम है, फ्लोरोहाइड्रिक नाम है, हाइड्रोनियम फ्लोराइड नाम है, और जल में हाइड्रोजन का विलयन। आगे बढ़ते चलिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था, तो 24वें संविधान संशोधन से किया गया था, यानी तो 71 में हुआ था। तो क्वेश्चन क्या रहा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति ने के संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था, तो 24वें संविधान संशोधन 1971 में राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था। मतलब कोई भी संवैधानिक संशोधन अगर होता है तो राष्ट्रपति को भी सहमति देना उस पर अनिवार्य है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ है। याद रखिएगा, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, एक सोन निकलती है उत्तर की ओर से, याद रखिएगा। अमरकंटक की पहाड़ी जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इधर से जोहिला निकलती है, याद रखिएगा, और ये साइड से कौन निकलती है, नर्मदा। बहुत लोग बोलते हैं जोहिला जो निकलती है ना वो छत्तीसगढ़ के और अरुणाचल प्रदेश के आसपास निकलती है, लेकिन मोटा मोटी याद रख लीजिएगा ये तीनों नक्शा है, आप याद रखिएगा तो आपका हो जाएगा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अर्थशास्त्र मैथ है। पुग्गा घाटी स्थित है, तो कहाँ है, पुग्गा घाटी लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना, पुग्गा घाटी लद्दाख में स्थित है। ये भूतापीय ऊर्जा के लिए क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। कौन से जनपद 6 से 4 शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, तो मगध जनपद, याद रखिएगा। कौन सा जनपद, मगध। बिहार में 3 जनपद थे, कौन कौन जनपद थे, पहला तो जनपद हो गया मगध, दूसरा हो जाएगा अंग, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, वैशाली या वज्जी, वैशाली याद रखिएगा, वैशाली। ये 3 जो है ना आपके कहाँ पड़ते हैं, जनपद बिहार में, बिहार में 3 महाजनपद थे, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बंगाल में अमला का अधिकारी होता था, तो जमींदार, अमला का अधिकारी क्या होता था, जमींदार। बंगाल में अमला क्या होता था, एक प्रकार का जमींदार होता था, याद रखिएगा, जमींदार होता था। आइए, मुर्रा नस्ल है तो भैंसों की, मुर्रा नस्ल किसकी है, तो भैंसों की, यह मुख्यतः हरियाणा और पंजाब से संबंधित है। मुर्रा किसकी नस्ल है, तो भैंसों की, भाई साहब याद रखिएगा, और ये हरियाणा और पंजाब में मुख्यतः मिलती है। चलिए आगे हम लोग बोलते हैं, 43 आइए, 1946 में भारत कैबिनेट में कितने सदस्य आए थे, तो 3 सदस्य आए थे, याद रखिएगा। कौन कौन, इसका एक ट्रिक है, KAL, के से आपका क्या हो जाएगा, क्रिप्स हो जाएगा, इस स्टैनफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा, ए से अलेक्जेंडर, AV अलेक्जेंडर हो जाएगा, और एल से पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। तो 3 सदस्य आए थे, याद रखिएगा, है ना, कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था, और कितने आए थे, 3। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो जरीब, देखिए पोजल था, बंजर था, पड़ौती था, लेकिन जरीब नहीं था। तो आइए बताते हैं आपको, कह रहा है कि जरीबा जो था ना वो, आइए, जरीबा नहीं था, अकबर के काल के वर्गीकरण जरीबा नहीं था, और इसका जो होता है किस प्रकार भूमि निर्धारण किया था, तो फिरौती, पोजल और बंजर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पोजल जो था ना, जिस पर हर वर्ष खेती होती थी, क्या होता है, हर वर्ष क्या होती थी, खेती होती थी। आइए पढ़ते, परती पे क्या होता था, जब भूमि पर बुआई ना कर सिर्फ उसे उर्वरकता प्राप्त करने के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता था, वो परती कहलाती थी। परौती क्या कहलाती थी, कि बुआई ना कर इसे छोड़ देते थे, मतलब कभी कभी बुआई कर देते, ठीक है। और बंजर जो भूमि होता था, यह क्या होता था, जब 4-5 वर्षों के अंतराल पर अधिक बिना बोए पड़ी रहती थी, मतलब कि हर 5-6 वर्षों तक के अंतराल पर खेती होती थी। और एक और था इसके अलावा,
चाचर जो तीन चार वर्षों तक बिना बोए छोड़ा जाता था, याद रखिएगा चाचर भी होता था, चाचर, और ये जरीब नहीं था इसके कारण। आइए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, और आगे बताते एक तरीके से आपको बता देंगे हम। तो 21वें कौन थे, नेमिनाथ थे, है ना, और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे। 23वें के बाद कौन थे, महावीर स्वामी थे, 24वें महावीर स्वामी थे, नेमिनाथ जो थे 21वें थे, है ना, चलिए आगे थे। और ऋषभ देव तो सबको जानता है पहले थे। सीमा सड़क बीआर का स्थापना कब किया गया था, सीमा सड़क दुर्घटना का 1960 में किया गया था, याद रखिएगा 7 मई 1960 में बीआरओ का किया गया था, है ना। आगे पढ़ते हैं, अलंकेश्वर स्थित है तो गुजरात में स्थित है, है ना, अलंकेश्वर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। यह एक पेट्रोलियम खनिज उत्पादन केंद्र है अलंकेश्वर, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अवध राज का अंतिम शासक कौन था, तो वाजिद अली शाह था, याद रखिएगा अंतिम शासक। अभी वो लगे कि अवध राज का स्थापना कौन किया था, तो शहादत अली खां किया था। देखिए वाजिद अली शाह अंतिम शासक था, लेकिन शहादत खां जो था वो स्थापना किया था, संस्थापक, याद रखिएगा संस्थापक। चलिए आगे बढ़ते, भिलाई दुर्गापुर एवं राहुल किला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो याद रखिएगा, देखिएगा दुर्गापुर, भिलाई और राहुल किला, है ना, पंचवर्षीय किस पंचवर्षीय, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। देखिएगा भिलाई जो हुआ था वो किसके वजह था, तो रूस के मदद से हुआ था, दुर्गापुर जो हुआ था यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मदद से हुआ था, राहुल किला जो हुआ था वो जर्मनी की मदद से हुआ था, बस याद रखिएगा इतना, किस किस देश के मदद से हुआ था। चलिए, निम्नलिखित निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो जिंक, कह रहा है कि निम्न से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया से, पराबैंगनी तरंगें पता ही आपको, ओजोन लेयर को क्या करती है, छाट लेती है 90%, उसी के कारण क्या होता है वो तब जमीन पे आती है, इसलिए हम लोग बच जाते हैं, अभी उसमें ओजोन परत में छिद्र के कारण आ जाती है, उससे स्किन कैंसर या आँखों का रोग होता है। तो पराबैंगनी किरण जब पड़ती है किस पर, जिंक पर, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देती है, कौन, जिंक धातु। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब रीजनिंग है, रीजनिंग हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे आगे, मैथ भी छोड़ेंगे, 54 नंबर भी छोड़ेंगे, 55 नंबर में आइए इकोनॉमिक्स में। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किन संस्था द्वारा किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के द्वारा किया जाता है ना, याद रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको दे ही दिया, DC में है, याद रखिएगा आप, इसका हेडक्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन DC में। चलिए, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाती है, तो कल बताया था ना सहभोजिता कहलाती है, है ना, मतलब क्या कहता है कि सहभोजिता में एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना हानि होता है, उसी को सहभाजिता कहते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते हैं, तो निषाद, वनवासी जो होते हैं किस नाम से जानते हैं, तो निषाद नाम से जाने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में देवसा दर्रा स्थित है, देवसा दर्रा किस में स्थित राज्य में है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में यहाँ है, देवसा दर्रा याद रखिएगा, इसलिए आपको हम लोग दर्रा का क्लास बहुत अच्छे से बता देंगे एक बार अलग। निम्नलिखित में से किस पादप के परागण एलर्जी का कारक है, तो पार्थेनियम, पार्थेनियम एक परागण एलर्जी का कारक होता है, याद रखिएगा, चमेली नहीं, गुलाब नहीं, गेहूं नहीं, क्या होता है, पार्थेनियम जो होता है, जो पार्थेनियम का जो परागण होता है वो पादप एक प्रकार का पौधा है, तो उसके परागण से क्या होता है, एलर्जी होता है पार्थेनियम के परागण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं है, चलनी नालिका। देखिए पौधों में जो पानी का जो होता है ना वो
जाइलम के द्वारा होता है, और फ्लोएम के द्वारा जो होता है उसके मिनरल्स मतलब कि खाद्य पदार्थ का होता है, याद रखिएगा इस चीज को, जाइलम जल फ्लोएम फूल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अंतिम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा इसका क्या काम कहलाता है, अपना मध्य पूर्वी हिमालय तो पश्चिमी घाट आ जाएगा, याद रखिएगा पश्चिमी घाट हमेशा याद रखिएगा, है ना, जैव विविधता क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो नायलॉन 60 के लिए किया जाता है, सिक्स। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्वेथेलिंग कप किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा टेबल टेनिस। आपको कल बताया था ना कि टेबल टेनिस ये सब 1958 में, बैडमिंटन 1962 में, और कबड्डी 1990 में, याद रखिएगा इस चीज़ पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। और कप भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि कप वगैरह भी पूछता है संबंधित, कोई कौन खेल से कौन कप संबंधित रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एस्वेथेलिंग कप किससे है, टेबल टेनिस से, आइए 64 नंबर। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था, तो याद रखिएगा मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन 50 और 52 के मध्य में हुआ था, है ना। हस्तिनापुर का उत्खनन कब से कब हुआ था, तो 50 से 52 के मध्य हुआ था हस्तिनापुर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बीवी के लाल ने इसका नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है, तो अवतल लेंस। देखिए हाइपर मायोपिया और मायोपिया, याद रखिएगा हाइपर मायोपिया और मायोपिया है। हाइपर मायोपिया और मायोपिया होता है, मायोपिया जो ठीक किया जाता है वो अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, और हाइपरमायोपिया जो किया जाता है वो उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है, याद रखिए। मायोपिया में क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है रोगी को, हाइपरमायोपिया में नज़दीक की चीज नहीं दिखाई देती है, तो मायोपिया में दृष्टि दोष निकट का, हाइपरमायोपिया में दृष्टि दोष दूर का, तो दूर में नज़दीक का दूर दिखाई देगा और नज़दीक में दूरी का नहीं दिखाई देता, याद रखिएगा। चलिए ये भी एक मैथ की है। 67 में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्वस्थल से प्राप्त नहीं हुई है, तो सूती वस्त्र, है ना, याद रखिएगा सूती वस्त्र जो है हड़प्पा स्थल से नहीं प्राप्त हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी मिट्टी के बर्तन, गहने, ताम्र, शीशा, ये सब क्या है, सौ से प्राप्त हुआ ही। निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो कौन सी नहीं है, कामित जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, अन्नाई मुडी पता ही आपको, है ना, और कार्डेमम की पहाड़ियाँ पता ही आपको, और पल्ली हिल्स पता ही आपको। कार्डेमम की पहाड़ियाँ सबसे साउथ में पड़ता है, कहाँ पे, केरला में। किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में साथ मिला दिया था, तो 2017 में आम बजट को रेल बजट में भारत सरकार ने मिला दिया था। चलिए, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर का नाम स्थापना किया था, तो नागलपुरम का नाम याद किया था, याद रखिएगा नागलपुरम उनकी माता के नाम पर था, है ना। कह रहा कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी, तो नागलपुरम की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है, परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस कौन सी है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वह CaO के साथ अभिक्रिया नहीं करती, मतलब करती है, और परंतु NaCHO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करती है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलिए आइए हम लोग अब 73 नंबर की ओर चलते हैं। 73 भी एक कूट संख्या रीजनिंग है, आइए ये पढ़ते हैं। कह रहा है भारत के महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है, तो उच्चतम न्यायालय के निर्देश, यानी उस पर महाअभियोग लगा, याद रखिएगा। कह रहा है कि
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसके पद से हटाने की क्रिया उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 ए के अंतर्गत की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरिकल्चर संबंधित है, किस से सेरिकल्चर संबंधित है भाई साहब? तो सबको पता है रेशम से है, है ना, रेशम उत्पादन से या रेशम से है सेरिकल्चर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विश्व के हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो कौन सी है? आइचोनिया है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे अधिकतम क्या है? यह हानिकारक जलीय खरपतवार है, याद रखिएगा। ये जोला का जो हम लोग यूज़ करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको पशु आहार में यूज़ करते हैं, भोजन में, दवा में, जल शोधक में, इस सब में यूज़ किया जाता है एजोला का, है ना। उसके बाद से आपका सल्वेनिया का जो होता है, सल्वेनिया का जो, इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। इसे वाटर मॉस कहा जाता है, है ना। सल्वेनिया को क्या? वाटर मॉस कहा जाता है। ये फर्न जैसा एक एजोला से संबंधित ही है और अलग अलग आकार में इसमें क्या होता है? विषम बीजाणु संश्लेषण करने वाले बीजाणु होते हैं, याद रखिएगा। सल्वेनिया एजोला हो गया, सल्वेनिया होगा, उसके बाद से आपका क्या बचाता है? यही हो जाएगा आपका दुनिया का, विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार आइचोनिया, याद रखिएगा। ये जलकुंभी भी से कहा जाता है, हम लोग देखते हो आमतौर पर जलकुंभी हमारे आसपास में जब हरा हरा कलर का निकलता है, कहाँ तैरता है? पानी के ऊपर हमेशा फ्लोटिंग करता रहता है, आइचोनिया, उसको जलकुंभी भी कहते हैं। निम्नलिखित से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है भाई साहब? तो सार्क का सदस्य जो है ईरान नहीं है। और सार्क के सदस्य कितने टोटल है? तो 8 है, ये दे दिया यहाँ पे। भारत, पाकिस्तान, कौन कौन है? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इराक सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। और इसको इसका स्थापना कब किया गया था? तो सार्क का स्थापना 1985 में किया गया था, याद रखिएगा। सार्क का स्थापना 1985 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? ढाका में है, हाँ, सार्क का, याद रखिएगा। इसके 8 देश है, सार्क सदस्यों की देश कितनी है? 8 है। और 8 देश आपको नाम बता ही दिए हैं कि नाम क्या क्या है। और इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है, याद रखिएगा। भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान आ सदस्य, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में, ये थोड़ा गलती लिख दिया, नेपाल के काठमांडू में। और ढाका में जो हुआ था ना, ये 7 से 8 दिसंबर 1985 के नियमानुसार की इसका स्थापना हुई थी, ढाका शिखर सम्मेलन, याद दिया, ढाका के शिखर सम्मेलन का स्थापना हुआ था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्मीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो शाहजहां के काल में, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो ये किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। और उलेमा के प्रशासन करने के जो सिजदा और पैबोस को समाप्त करने का स्थान पर लाया था, उसी के स्थान पर ये लाया था, मतलब सिजदा और पैबोस को लागू किया था, बलवन किया था और इसको बंद करके क्या समाप्त कर दिया था, उसके स्थान पर चाहर तस्लीम की प्रथा शुरू किया था, कौन? शाहजहां ने, चाहर तस्लीम, याद रखिएगा। और जिनबोस की प्रथा जो भी थी ये शाहजहां द्वारा ही ख़त्म कर दी गई थी, और पगड़ी में बादशाहत की जो तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे। बौद्ध धर्म के उपदेश हेतु किस भाषा में प्रयोग किया गया था? तो देखिएगा, याद रखिएगा, इसमें आंसर पाली हो जाएगा, लेकिन यही बौद्ध धर्म पूछेगा कि अपना उपदेश जो था आम लोगों को किस भाषा में देते थे? तो प्राकृत भाषा में देते थे, साधारण। आइए 80 हो गया। एकासी प्रश्न, ये फिजिक्स का प्रश्न है। अनुचुंबकत पदार्थ, मतलब अनुचुंबकत पदार्थ क्या होता है? तो चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं, याद रखते हैं। अनुचुंबक बल जो होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन आदि। किस मौर्य स्तंभ के शीर्षक पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो शकीशा स्तंभ पर, याद रखा, शकीशा स्तंभ पर विशाल हाथी का स्थापित किया गया है। पूछ देगा क्वेश्चन कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्षक पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो शकीशा स्तंभ पर स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बाकी रामपुरवा लौरिया नंदनगढ़ सारनाथ आपको पता ही है। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पड़ता है? बेतिया में। रामपुरवा भी कहाँ पड़ता है? बेतिया जिला में पड़ता है, बिहार में ही पड़ता है। और सारनाथ के बारे में तो सबको पता ही है कि यूपी में पड़ता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो रेचल कार्सन। कौन है? रेचल कार्सन, जो कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है। चलिए मैथ है 85 में। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है। और तिलैया बांध कहाँ है? झारखंड में। याद रखिएगा, बराकर नदी पर है। तिलैया बांध कहाँ है? बराकर नदी पर है और ये झारखंड में स्थित है। आइए, कोडरमा के पास है तिलैया बांध। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो व्यापारिक एकाधिकार बोलेगा ना, 1813 में। याद रखिएगा, व्यापारिक अधिकार 1813 में। वो भी क्या क्या छोड़कर? चाय, याद रखेंगे हम लोग किस किस चीज को छोड़कर। तो चाय, चाय, चीनी और पूर्वी देशों के साथ। लेकिन 1833 में पूर्ण रूप से सभी अधिकार खत्म कर दिए गए थे और बाकी ब्रिटेन से अंग्रेज नागरिक आकर अपना व्यापार कर सकते थे। चलिए, निम्नलिखित में से आगे 87 छोड़िए, कोडरमा आइए। इसके लिए कह रहा है कि कोडरमा डैश खनन के लिए जाना जाता है, तो अबरक के लिए। याद रखिएगा, कोडरमा अबरक के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। 101वां, 102वां, 103वां, 104। देखिएगा, आप याद रखिएगा, 104 जो था वो जो दो सीट थे आंगल भारतीय समुदाय के लिए, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो चार का एक हो जाएगा, है ना? याद रखिएगा, 101 से क्या हो गया था, 102 से क्या हुआ था, 103 से क्या हुआ था। सेवा कर आपको याद है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग आपको याद ही है ना? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 103 हो जाएगा, 101 से GST हो जाएगा और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 103 हो जाएगा, दो हो जाएगा, सॉरी आर्थिक वर्ग 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित से कौन सा कथन परावर्तित धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका परिणाम क्या होता है? समान रहता है। याद रखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परावर्तित धारा के लिए कथन सही नहीं है? तो क्या होता है? इसका परिणाम समान रहता है। जो AC होता है अल्टरनेटिव करंट, उसका परिणाम क्या होता है? हमेशा समान नहीं रहता है, ये सही नहीं है। बाकी चीज़ें जैसे लंबी दूरी तक संचालित किया जाता है, एकदम सही है। अरे जनरेटर DC करंट देखते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ से हमको दिल्ली जाना हो तो क्या होगा? नहीं, लेकिन AC करंट जा सकता है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, लेकिन अगर जनरेटर से उत्पादन करेगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा हमको। इसका वोल्टेज जो होता है आसानी से बदला जा सकता है ना, बदल सकते हैं उसकी वोल्टेज को, लेकिन जनरेटर का नहीं। चलिए आगे बढ़ते। महात्मा गांधी के जीवन के लेखक कौन है? तो जी तेंदुलकर। जीवनी के लेखक कौन है महात्मा गांधी के? डीजी तेंदुलकर है, याद रखिएगा। और 8 भागों में पुस्तक लिखी थी, लाइफ ऑफ करमचंद गांधी। याद, किताब का नाम क्या है? महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी है, है ना? और डीजी तेंदुलकर यहाँ लिखा हुआ, डीजी तेंदुलकर। चलिए आगे बढ़ते हो। रेगुर मिट्टी को किस नाम से अनजाना जाता है? तो काली, ब्लैक मिट्टी की जानते हैं। याद रखिएगा, इसमें कपास की खेती सबसे अधिक की जाती है। आइए, नमेरी बाघ अभयारण्य भारत में किस राज्य में है? तो असम में। नमेरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में। आइए, इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कह रहा है कि नमेरी बाघ अभयारण्य जो है वो असम है, और असम के किस जिले में? सोनितपुर जिले में, पूर्वी हिमालय के तट तलहटी में स्थित है, याद रखिएगा। और कुल 344 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। निम्नलिखित शब्दों का तार्किक क्रम व्यवस्थित करना है, याद रखिएगा। तार्किक संबंध क्या करना है? व्यवस्थित करना है। आइए, निम्नलिखित शब्द, अस्पताल भर्ती निदान उपचार रोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रोग का निदान, रोग उपचार, अस्पताल भर्ती क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग रोग देखेंगे कि किस प्रकार का रोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। फिर अस्पताल में ले जाएंगे, फिर भर्ती कराएंगे, फिर उपचार कराएंगे, फिर उसका निदान होगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पहले क्या करेंगे? पहले रोग देखेंगे लोग, फिर अस्पताल ले जाएंगे, फिर भर्ती कराएंगे, फिर उपचार उसकी होगी,
फिर उसका निदान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचानवे हो गया। छियानवे नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा बुल्लर झील है। कहाँ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है ना, और अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पहले नहीं था। कह रहा है कि आर्द्रतापूर्ण दिन में प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे तो कटे हुए तने पर द्रव कुछ मात्रा ऊपर उठ आती है, इसका कारण क्या है, तो मूल दाब होता है। याद रखिए, कह रहा है कि अगर आर्द्रतापूर्ण दिन वाले प्रातः काल में समय नरम तने को काट देते हैं, देखिएगा जो एकदम कोमल तना होता है उसको काट देते हैं ब्लेड से, तो कुछ मात्रा द्रव की मात्रा जो ऊपर की ओर उठाती है, तो उसका कारण क्या होता है, मूल दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब के कारण सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग क्या था, एक प्रकार का दीवाने अर्ज था सैन। हम अर्जी कहाँ देते हैं दोस्त, देखते हैं ना, थाना वाना में जाकर अर्जी देते हैं, तो सैन विभाग था, याद रखिएगा दीवाने अर्ज। पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है। कह रहा है कि पिट्टी द्वीप जो है लक्षद्वीप में है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया, डॉक्टर सरीन अलविंद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया है पिट्टी द्वीप का। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, लोकसभा में विपक्ष नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितनी सीटें हासिल होनी चाहिए, तो 1/10। आज हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर कल हम लोग नए सीरीज के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, और कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग कर दें।